प्रिया प्रिया नो हाय क्या हो गया मूड क्यों फिर मैंने आयशा को थप्पड़ मार दिया क्यों क्या हो क्या क्या बदतमीजी से बात कर रही थी पापा से नाम लेकर बुलाया इतने दिन से वो बदतमीजी किए जा रही है और हम चुप हैं लेकिन आज तो उसने सारी हदें पार कर दी मिस्टर कपूर मुझसे चुप नहीं रहा गया मैं ओके ओके अब तो शांत हो जाओ नहीं तो बीपी तुम्हारा हाई हो जाएगा तुम्हें भी टैबलेट्स की जरूरत पड़ेगी टैबलेट्स आपको मजाक सूझ रहा है पता नहीं हो क्या रहा है हमारे साथ इतनी मुश्किल से नौकरी मिली तो अश्विन के आज फर्स्ट डे था और इतना खराब गया कि और फिर वापस आके ये आयशा कब पता नहीं क्या हो रहा है ओके यार इतना बुरा भी नहीं है यार कम ऑन वी आर टुगेदर ना छोटी सी स्माइल दे दो हाय रॉकस्टार कैसे हो अच्छी हूँ मामा का मूड ऑफ है हग दो यस पापा मैं खुश के स्कूल वापस कब जाऊंगी इधर आओ बैठो यहाँ बैठो बीच में ओके ओके ऐसे बैठते हैं वो क्या है ना पीहू पापा और मम्मा ने ये सोचा है कि अब पीहू न्यू स्कूल में जाएगी न्यू स्कूल क्यों मम्मा इसलिए क्योंकि न्यू स्कूल में नए फ्रेंड्स बनेंगे और जब पीहू की नेक्स्ट बर्थडे पार्टी होगी तो नए नए फ्रेंड्स आएंगे कितना मजा आएगा हाँ मम्मा फिर तो हम लोग बहुत बड़ा पार्टी कर सकते हैं हाँ और इस बार हम पार्टी की प्लानिंग साथ में करेंगे नहीं तो मम्मी कहेगी कि अपने टाइप की बर्थडे पार्टी करते हैं एक मिनट बर्थडे पार्टी चाहे कितनी भी बड़ी हो मेरे टाइप की होगी की हो नहीं, नहीं हमारे टाइप की होगी हाँ मैंने कहा ना हमारे टाइप की नहीं मेरे टाइप की होगी नहीं अरे नहीं भाई प्रिया डिनर रेडी चलो भाई खाना खाते हैं पीहू कम अरे भाई पीहू ने हमारे साथ ही खाना खा लिया पीहू कम बेड टाइम चलो मैडम आपका गुस्सा ठंडा हो गया तो खाना खा ले नहीं मेरा मूड अभी भी खराब है मैं खिला देता हूँ चलो पापा के लिए नहीं पर एटलीस्ट खुश के लिए हमें वहां जाना चाहिए माँ बहुत अकेला हो गया है वो वहां हाँ बेटा कह तो तू ठीक रही खुश को हम लोगों की जरूरत तो है अगर आप सबको ऐसा लगता है तो ठीक है आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए हम वापस चले जाएंगे और वैसे भी भाई ने आयशा से बात कर ली अब उसकी हिम्मत नहीं होगी हमसे बदतमीजी करने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हाउस बना रहे हो बहुत सुंदर वाओ आपका सन भी बहुत सुंदर है अच्छा खुश अगर मम्मा को आपको कुछ गिफ्ट देनी हो तो आपको क्या चाहिए टैब या फिर पीएसपी जिसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए खुश देखो मम्मा पूछ रही है ना खुश सारा दिन बोर हो जाता है ना तो फिर गेम खेलेगा तो खुश का टाइम पास भी हो जाएगा जल्दी बताओ क्या चाहिए खुश को मुझे पापा और पीयू चाहिए जब पी और पापा मेरे साथ होते हैं तब मैं बिल्कुल अकेला नहीं होता हूँ अब पी और पापा को वापस ले आओ ना मम्मा खुश वो दोनों वापस नहीं आ सकते पापा मेरे साथ करती है क्या मम्मा मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते खुश तुम एक बार मैं सोच लो जब डिसाइड कर लो तो बता देना खुश पुत्र तूने ऐसी रोती हुई शक्ल क्यों बना रखी है मुझे पापा और पीहू चाहिए मम्मा उन्हें क्यों नहीं लेके आ सकती पर वो पीहू और पापा बहुत दूर गए हैं ना इसलिए वो
नहीं बुला सकती। वो लोग नाना नानी के घर गए हैं। मैं उनसे मिल के आया हूँ। पियो और मैं बहुत खेले थे। क्या? तेरे पापा और पियो यहाँ हैं? राम प्रिया वापस आ गए? हाँ, और आते ही मेरी लाइफ हेल कर दी। पता, पहले तो राम ने मुझे धमका दिया और उसके बाद प्रिया दी ने सबके सामने मेरे पे चिल्ला दी। इतनी बेइज्जती हुई मेरी। और पता ये सब किसकी वजह से? खुश की वजह से। तो गुस्सा आता है उस बच्चे पे, मन तो करता है। तेरा अपना बच्चा है, अपना पुत्र। यही तो रोना है मामा जी, निकाल के बाहर भी नहीं फेंक सकती। और वो पता है क्या, सुबह से पापा पापा की रट लगा के बैठे और मैं उसे सच भी नहीं बता सकती क्योंकि सिड ने मना किया है। तो क्यों चुप रहती है तू? सिड की खातर ना, क्योंकि तू उससे प्यार करती है। तो फिर अपने प्यार की खातर अपने बच्चे को संभाल ले। वो देख, राम शहर में वापस आ गया है। किसी ने उससे शिकायत कर दी ना तो राम ने बैंड बजा देना है। तो मामा जी मैं करूँ क्या? ओ कंट्रोल कंट्रोल भाई, जरा अपने अपने दिमाग को ठंडा रखो। देख, सब कुछ तो मैं संभाल लूंगा। ओ खुश को तू संभाल ले। ओए, उन दोनों बुढ़ियों को वापस बुला दे। क्या? नो वे, कभी नहीं। जरा सोच ले, वो सौम्या, ऋषभ और उन दोनों बुढ़ियों की वजह से खुश का दिल लगा रहता था, वो तेरी आधी टेंशन दूर रहती थी। मामा जी, मैंने खुद उन्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाला था। तो क्या हो गया? वो तो भूल जाओ अपने कमंड को। तो एक खुश को उनकी जरूरत है और खुश को खुश रखना तेरी जरूरत। जाओ, जाके माफी मांग लो, रो, गिड़गिड़ाओ, आंसू बहाओ। वो बेवकूफ लोग हैं, कमजोर दिल के, वो माफ कर देंगे? नहीं मामा जी, मैं ये नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। ओ यार, ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। तो तेरे पास कोई और चारा है नहीं। जो किसी को ये इलम हो गया कि सीढ़िया है और हम उससे मिलते जुलते हैं, तो हमारा एक चटके में काम तमाम। वे उसका नाम रामपुर है, रामपुर। वो एक चुटकी में तुझे सब कुछ दे सकता है, तो चुटकी में ले भी सकता है। फिर देख लेना, तेरे पास कुछ नहीं बचना, कख नहीं बचेगा तेरे पास। मैं बोल रही हूँ ना, पीहू के लिए वही स्कूल ठीक रहेगा मिस्टर कपूर। लेकिन यार, वहाँ पर तो टाइल्स भी टूटी हुई हैं। हे भगवान, कैसे समझाऊँ मैं आपको? ये सब चीजें मैटर नहीं करती, टीचर्स मैटर करते, पढ़ाई मैटर करती है, जो अच्छी है। मैं वहीं की पढ़ी हुई हूँ। प्लीज मिस्टर कपूर, इस बारे में हम कितनी बार बात कर चुके, अब बहस मत कीजिए। मैं वहाँ की प्रिंसिपल को जानती हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी तो मिड टर्म एडमिशन भी हो जाएगा पीहू का, प्लीज। लेकिन और भी अच्छे स्कूल है यार इस एरिया में। हाँ है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा महंगे भी हैं। But we have jobs now. अरे पर आज नौकरी का पहला दिन था मिस्टर कपूर, सैलरी आने में एक महीना है, और सिर्फ स्कूल की फीस ही तो खर्चा नहीं है ना, बाकी भी सब चीजों का ध्यान रखना है हमें। और आपको आइडिया है कि बाकी के स्कूल में कितनी डोनेशंस मांगते हैं? एक तो साल के मिड में हम उसका स्कूल चेंज करें, और फिर इस स्कूल में भी पे करने के पैसे नहीं है ना। पीयू की एडमिशन मैं करवाना चाहती हूँ भाई। छोटी, तू क्यों फिकर कर रही है? हम लोग मैनेज कर लेंगे यार, प्रिया बताओ ना। लेकिन मुझसे पैसे नहीं लेंगे, है ना? छोटी समझा कर यार, मैं तेरे से पैसे कैसे ले सकता हूँ? क्यों, जब मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था तब क्यों आपने मेरी सारी ड्रेसेस खरीदवाई थी? ये तुझे कैसे? मुझे सब पता है भाई, आप मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। क्यों? और बाय द वे, मैं ये आपके लिए नहीं, ये मैं अपनी भतीजी पीहू के लिए कर रही हूँ। दैट्स इट। सो प्लीज भाई, मना मत कीजिए, प्लीज। मुझे लगता है मेरी छोटी बड़ी हो गई। ओके, तुझे जो करना है तू कर, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन दिस इज टेम्पररी, तुझे ये सारे पैसे वापस लेने पड़ेंगे भाई। नताशा प्लीज मान जाओ ना। ओके फाइन।
क्या हुआ? सर ने अचानक रोमांटिक मूड कहां से आया? भाई तीनों बच्चे बाहर हैं, तुम्हें एकदम शांति है, घर सिर्फ हमारे पास है, तो रोमांस तो बनता है ना भाई। ये कौन आवाज कर रहा है यार? मेरा बॉयफ्रेंड आया है, जेलस है। डोंट टेल मी, इसको क्या चाहिए यार? उसे भी कुछ रोमांटिक चाहिए। हाँ तो वेट, जब उनको जाना होता है तब जाना होता है, वरना घर खराब कर देगा यार। तुम्हें तो शौक था ना इसे घर लाने का, अब जाओ लेके जाओ पगलू को। He's coming, daddy's coming. ही बोल देना, अभी गया और अभी आया, ओके? क्या हुआ? तुम्हारी शर्ट कैसे फट गई और कॉलर? तुम तो कुछ मत बोलो, सब तुम्हारी वजह से और तुम्हारे बेवकूफ बच्चों की वजह से हुआ है। हमने क्या किया? अकेले मेरे को छोड़ दिया उस कुत्ते के साथ, उसको घुमाओ फिराओ पॉटी कराओ, व्हाट नॉनसेंस यार। मैं वहां गया सड़क पे और वो, अरे बता तो दे कहां जा रहे यार, सुन क्यों नहीं? आइटम हमारा टिंटिन छे। हां ये हमारा टिंटिन है। अरे अरे ए, 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 एक मिनट एक मिनट, ये टिंटिन नहीं है मैम, ये अरे ये मेरे बच्चों को मिला रहे, क्या कुत्ता चोर हो यार? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस पुलिस, देखिए बात सुनिए, मैं एक कंपाउंड में मिला के, अरे मेरी बात तो चोरी करो। पगलूस कौन यार? तुम्हें पगलू की पड़ी है, मेरी हालत देखिए तुमने। उसके मालिकों को लगा कि मैंने उनका कुत्ता चुराया, डॉक्टर दिखता हूँ मैं उन्हें। दोनों ने मिलकर इतना मारा, मुझे हंसो मत। तुम मार तुमने नहीं खाई है, मार मैंने खाई है। सही कह रही, हमारे बच्चे ना सही में बेवकूफ हैं, कुछ भी उठा लाते हैं। पगलू वापस नहीं आने वाला। नहीं आएगा पगलू वापस। मैं बर्फ लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, कूल डाउन। ये हमारी रोमांटिक इवनिंग। थैंक यू। बड़ा दिल कर रखा था इस वक्त चाय के लिए। दादी गरम चाय है कि नहीं? कितने परसेंट अंकल? 70%। थैंक यू अंकल। ये कोड कोड में क्या बातें चल रही हैं आप लोगों में? अरे माँ प्रिया भाभी ना बिल्कुल परफेक्ट अदरक वाली चाय बनाती है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी उनकी तरह परफेक्ट अदरक वाली चाय बनाऊंगी, इसलिए अंकल मेरी हर चाय पर मार्क्स देते हैं। 50 से शुरू हुई थी, 70 तक तो पहुंच ही गई। वाह वाह तुमने तो बहुत तरक्की कर ली। 30 मोर टू गो। भाई हमारी बिल्डिंग की तो लिफ्ट भी खराब हो जाती है। ओ, ओ, नानी और पियू कितनी सीढ़ियां उतर के आए? 60। अरे वाह पियू बेटा, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है भाई। आज बहुत स्पेशल डे है। अच्छा ऐसा क्या है भाई? आज पीहू का एडमिशन है। ओहो कौन से स्कूल में जा रहे हो? अल्फाबेट स्कूल। ओहो अरे शिप्रा ये तो वही प्रिया वाला स्कूल है ना? अरे कितनी मजे की बात है, मम्मी और बिटिया दोनों एक ही स्कूल में। कृष्णा जी बड़ा अच्छा स्कूल है। दादी जी आप दुआ कीजिए बाबा से कि बस उसकी एडमिशन हो जाए, है ना? बिल्कुल हो जाएगा भाई। थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज। बेबी लेट हो गई। बेबी पता है हर सुबह ना ऐसी बस तुम्हारी बाहों में नींद खुले, आई विश हम हमेशा ऐसी रहे। बेबी मैं भी हर रोज तुम्हारे साथ इसी तरह सुबह उठना चाहता हूँ, पर बेबी अब नहीं, अब तुम्हें घर जाना है, जाओ। क्यों? बेबी खुश अकेला है इसलिए। मुझे अभी कहीं नहीं जाना है, बस तुम्हारे साथ रहना है।
मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं फोन काट रहा हूँ इसका मतलब बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। कौन था बेबी? बेबी वो केबल वाला, दिन भर बैठ के टीवी तो देखता हूँ, और क्या काम बचा है, तुम भी यहाँ नहीं रहती हो। ये मैंने कहा बिल पेंडिंग है इसलिए फोन करा था। बेबी आज ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। ओके बेबी मैं भी ये चाहता हूँ, लेकिन बेबी अब तुम्हें घर जाना होगा, देखो वहाँ खुश अकेला है, अगर वो उठ गया उसने देखा कि रात भर तुम घर पे नहीं थी तो वो क्या सोचेगा, और देखो अगर उसने राम को बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, जाओ ना घर। नहीं ना प्लीज। अरे बाबा तुम जल्दी उठ जाओ, घर जाओ। बेबी जाओ ना, देखो देर हो रही है, लेट हो जाएगा, जाओ जल्दी जाओ। ओके तैयार होके जाओ। हाँ लेट हो रहा है। हाँ बोलो। हाँ बिजी था, तुम एक काम करो एक घंटे में आ जाओ। ओके ओके मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। ओके बाय। जी मैम। नहीं मैं समझती हूँ मैम, हम भी नहीं चाहते कि एक साल का लॉस हो। नहीं नहीं हम लोग पहुंच जाएंगे 2 बजे। पक्का मैम पक्का। ओके थैंक यू सो मच। यस थैंक यू। हाँ भाई चले। मिस्टर कपूर मेरी स्कूल के प्रिंसिपल से बात हो गई है पीयू के एडमिशन के लिए, हम दोनों को 2 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है यार, वेरी गुड। तुम देखना मैं अपॉइंटमेंट कैसे हैंडल करता हूँ, एडमिशन तो उनको मिलनी ही मिलनी। फिर तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी मिस्टर कपूर। क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं हैंडल नहीं कर सकता? नहीं मिस्टर कपूर वो बात नहीं है, वो क्या है ना कि पहला वाला इंटरव्यू मैं अभी तक भूल ही नहीं। याद है कितने सवाल किए थे आपने प्रिंसिपल मैम से, टाइल्स ऐसी क्यों है, केटरर्स कौन है, पार्किंग इतनी छोटी क्यों है, आई मीन एक सवाल और करते ना तो वो हमें सिक्योरिटी से पिटवा के स्कूल से बाहर निकलवा देती। यार हम पेरेंट्स हैं यार, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं ये देखना तो पड़ेगा ना। देखेंगे तो तब मिस्टर कपूर जब पीहू का कहीं एडमिशन होगा। आप इतने सवाल करेंगे तो एडमिशन होगा ही नहीं, इसलिए आपको प्लीज चुप बैठना पड़ेगा। ठीक है बाबा मैं एकदम चुप बैठूंगा बस। पक्का? हाँ पक्का। अगर मैंने कुछ बोल दिया ना तो तुम नीचे से चुपके से मुझे पैर मार देना, मैं चुप हो जाऊं। एनीवे अभी हमें चलना चाहिए, 2 बजे का टाइम है, हमारा लंच होगा, आराम से मैनेज कर लेंगे, है ना? अरे वेरी गुड प्लानिंग यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्लानिंग इतनी भी परफेक्ट नहीं है मिस्टर कपूर। क्यों क्या हो गया? पीहू और खुश आई मीन दोनों एक ही स्कूल में जाते ना तो परफेक्ट प्लानिंग होती, अब दोनों अलग अलग स्कूल में जाएंगे। देखो प्रिया बुरा तो मुझे भी लग रहा है लेकिन कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती, क्या पता शायद इसमें भी कुछ अच्छा ही निकले। आई होप सो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।